दोस्तों आईपीएल 2023 में टीम इंडिया को एक ऐसा खूंखार खिलाड़ी मिल गया है जो अपनी कातिलाना विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से मैच का रुख पलट देता है। आईपीएल 2023 में ये खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर काफी चर्चा में है। अगर ये खिलाड़ी इस सीजन में ऐसे ही शानदार प्रदर्शन जारी रखता है तो हो सकता है कि इसे वर्ल्ड कप 2023 में खेलने का मौका मिल जाए। देंगे इस वीडियो में उस खिलाड़ी के बारे में आपको पूरी जानकारी और साथ ही साथ ये भी बताएंगे क्या वे वर्ल्ड कप 2023 के लिए चयनित हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसे जानने से पहले यदि आप भी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीते हुए देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों टीम इंडिया को मिलने वाला ये खूंखार खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर हैं। वेंकटेश अय्यर ने रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मैच में शतक जड़कर कोहराम मचा दिया। उन्होंने मुंबई के खिलाफ केवल 51 गेंदों में 104 रनों की तूफानी पारी खेली। इन्होंने इस पारी में 9 गगनचुंबी छक्के और 6 करारी चौके लगाए। इन्होंने इस मैच में अपनी अतिशी बल्लेबाजी से स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वेंकटेश अय्यर के बल्ले से ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी कभी नहीं देखने को मिली थी। इस सीजन में ये खिलाड़ी जिस जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है उसे देखते हुए जल्द ही उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। इन्होंने आईपीएल 2023 के 5 मैचों में 170.80 के स्ट्राइक रेट से 234 रन बनाए हैं। अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वेंकटेश अय्यर सबसे टॉप पर हैं। इन्होंने अभी तक 27 आईपीएल मैच में कुल 786 रन बनाए हैं जिसमें अय्यर के नाम 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है। वेंकटेश अय्यर आईपीएल में 3 विकेट भी ले चुके हैं। ये खिलाड़ी अभी तक इंडिया के लिए 2 वनडे और 9 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुका है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में वेंकटेश अय्यर ने 9 मैचों में 5 विकेट झटके हैं जबकि बल्ले से 133 रन भी बनाए हैं। इन्होंने ओवरऑल 85 टी20 क्रिकेट मैचों में 2007 रन बना चुके हैं। इसके अलावा 42 विकेट भी झटक चुके हैं। वेंकटेश अय्यर ने अपने शानदार प्रदर्शन से दिखा दिया है कि वो हार्दिक पांड्या का बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन बहुत ही जल्द भारत में होगा अतः वेंकटेश अय्यर भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। बाकी दोस्तों आप हार्दिक पांड्या और वेंकटेश अय्यर में किसे चुनना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा।